हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज हम पढ़ने वाले हैं कला की दृष्टि से भारत में प्रथम। ठीक है, ये टॉपिक जो होता है वो आपके एग्ज़ाम के लिए 100% मार्क करता है। मतलब बोला जाए तो यहाँ से हमेशा एक से दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलते हैं आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे वो पीजीटी का हो, एलटी ग्रेड हो, कहीं भी हो। अगर आर्ट सब्जेक्ट है तो आपका यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। इसलिए आप लोग बिल्कुल से शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर जुड़े रहें, ठीक है, ताकि सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में सेट हो जाएं। ठीक है, चलिए अब धुआंधार तरीके से क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल टाइम से आप लोग आ जाए करें, जो टाइम आपको दिया जाता है आप लोग बिल्कुल टाइम से आ जाए करें। ठीक है, चलिए चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं बिल्कुल धुआंधार तरीके से। तो आपको सभी को पता है कि भारत में प्रथम हमें पढ़ना है। चलिए, तो आपके सामने पहला प्रश्न आता है। देखिए, हम क्वेश्चन जैसे आपके सामने लेकर आए, आप तुरंत आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पे छापते जाइए। ठीक है, फिर अपना मिलान करिए कि आपको बना वो क्वेश्चन कि नहीं बना। ठीक है, तो इस तरह से आपका आकलन भी होता जाएगा और इस तरह से आपको नई नई चीज़ें मिलती भी जाएंगी। ठीक है, चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं और हर क्वेश्चन का आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर देना है। ठीक है, हर बच्चा हो, चाहे वो लाइव देख रहा हो, चाहे वो ऑफलाइन वाला हो, सभी को कमेंट बॉक्स पे अपना आंसर छापना है और फिर अपना मिलान करना है कि आपका बिल्कुल सही था या फिर गलत था। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? प्रथम चित्रकार जो अपनी पेंटिंग के पीछे अंगूठे का निशान लगाने के लिए जाना जाता है। सभी लोग करेंगे आंसर, और आंसर की बात की जाए तो आंसर, अरे आंसर आपका सही होता है वो कौन है? अंजलि इलामेनन। ठीक है, क्या क्वेश्चन था? जो अपनी पेंटिंग के पीछे अंगूठे का निशान लगाने के लिए कौन जाना जाता है? तो आंसर होगा आपका अंजलि इलामेनन। ठीक है, चलिए आप अपना आकलन भी करते जाइएगा, क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। चलिए तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रथम चित्रकार जो अपनी पेंटिंग के पीछे हस्ताक्षर के लिए जाने जाते हैं। अगर हस्ताक्षर बोलेगा तो आंसर दूसरा होगा, अगर अंगूठा बोलेगा तो आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा इसको भी देख लेते हैं। इसका आंसर होगा आपका मंजीत वावा है। कौन है आपके? मंजीत वावा है, याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन दिख गया था आपका, चलिए अब नहीं दिख पाएगा। आगे दे रहा है, हस्तलोक कला बाघ प्रिंट्स, बाघ कस्बा मध्य प्रदेश, इसका जन्मदाता किसको कहा जाता है? इसका आंसर छापेंगे सभी लोग कि हस्तलोक कला बाघ प्रिंट, बाघ कस्बा मध्य प्रदेश का जन्मदाता किसको कहते हैं? छापेंगे सभी लोग। चलिए अब आंसर की बात कर लेते हैं। आंसर है आपका इस्माइल सुलेमान खत्री को जाना जाता है इसके लिए। ठीक है, आंसर आपका ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है, पहली महिला फड़ चित्रकार के रूप में किसको जानते हैं? क्या होगा आंसर? जल्दी से छापेंगे आप लोग आंसर और फिर हम अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आंसर की बात की जाए तो आंसर आपका होगा ये है पार्वती जोशी, जो कि राजस्थान से बिलोंग करती हैं। क्या है क्वेश्चन? फड़ चित्रकार के रूप में किसको जाना जाता है? सबसे पहली बात कि फड़ चित्रकारी कहाँ के लिए है? राजस्थान के लिए। और इसके लिए कौन महिला है? तो ये है पार्वती जोशी। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा और आप लोग अच्छे से आंसर भी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो पूछा जा रहा है आपसे, ललित कला संकाय बड़ौदा विश्वविद्यालय में प्रथम बैच के छात्र कौन थे? बताइए आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे जिसमें आपको टिक लगाना होगा, जिसमें आपको गोला भरना होगा। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया है, वन लाइनर फॉर्म में ही दिया है, जिससे कि आपको वही क्वेश्चन सीधे आपके दिमाग में सेट हो जाए जो इसका आंसर है। चार ऑप्शन में आप लोग भड़बड़ाए नहीं, इसलिए केवल वन लाइनर हमने दिया है। चलिए, उम्मीद है आंसर आ रहा है आप सभी का। हाँ, आंसर होगा आपका ज्योति भट्ट, जिसका 1950 से 54 के बीच में मिलता है। ठीक है, तो कौन है?
बड़ौदा विश्वविद्यालय में प्रथम बैच के छात्र कौन? ये ज्योति भट्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन से कला शिक्षा प्राप्त करने वाली पहली महिला कलाकार कौन है? पहली महिला कलाकार पूछी है शांति निकेतन से, तो आंसर क्या होगा आपका? ये है आपकी लीला मुखर्जी। कौन है ये? लीला मुखर्जी। आगे चलते हैं, भारत के प्रथम छापाकार कौन माने जाते हैं? पूछा जा रहा है भारत के प्रथम छापाकार कौन माने जाते हैं, आंसर क्या होगा आपका? आनंद प्रसाद बागची। कौन है प्रथम छापाकार? आनंद प्रसाद बागची। देखिए, इस जो ये क्लास हो रही है, इस क्लास को कम से कम दो बार आप देख ही लीजिएगा अभी, और जब आप एग्जाम देने जाएं तब एक बार फिर से देख लीजिएगा, बस इतने से ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपको याद हो जाएगा। आगे आगे पूछा जा रहा है, सर्वप्रथम मिर्जा गालिब की गजलों पर आधारित चित्रण करने वाले कलाकार कौन थे? मिर्जा गालिब की गजलों पर चित्रण किसने किया है, पूछा जा रहा है, आंसर आपका क्या होगा? तो आंसर देख लेते हैं। आंसर है आपका अब्दुल रहमान चुगताई। कौन है ये? अब्दुल रहमान चुगताई हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ रहा है, आ गया। पूछा जा रहा है, संगीत एवं ललित कला संकाय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रथम डीन किसे नियुक्त किया गया था? बताएंगे सभी बच्चे कि संगीत एवं ललित कला संकाय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रथम डीन घोषित किसको किया गया था? बताइए सभी लोग, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर की तरफ बढ़ेंगे तो आपका आंसर है KS कुलकर्णी को, और कब? ये है 1972 में। कब? 1972 में KS कुलकर्णी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पूछा जा रहा है, प्रथम भारतीय राजनीतिक व्यंग्य चित्रकार किसको कहते हैं? प्रथम भारतीय राजनीतिक व्यंग्य चित्रकार किसको कहते हैं, तो इसका आंसर क्या राइट होगा? तो आंसर की बात की जाएगी तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, के शंकर पिल्लई हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, सारे जो जितने भी ये वन लाइनर फॉर्म में दिए हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से रट लीजिए, लगभग 150 हैं, पूरे रट लीजिए। ठीक है, ऑप्शन, चलिए आगे, नेक्स्ट पूछा जा रहा है, चलिए इसका भी आंसर देख गया, कोई बात नहीं, कुछ देखते जाइए और कुछ अपना आकलन करते जाइए। भारतीय संविधान की पांडुलिपि को चित्रित करने वाले पहले चित्रकार कौन हैं? तो कौन है ये आपके? नंदलाल बोस हैं। ठीक है, याद रखना है, ये टाइपिंग गलत हो गई है, तो आंसर क्या है आपका? नंदलाल बोस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर पूछा जा रहा है आपसे, चलिए, पहली भारतीय चित्रकार जिनके कला जीवन पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्तचित्र मतलब कलर डॉक्यूमेंट्री तैयार हुई थी, बताइए जल्दी से, फटाफट से, पहली भारतीय चित्रकार जिनके कला जीवन पर सर्वप्रथम रंगीन वृत्तचित्र मतलब कलर डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी, आंसर होगा आपका, ये है नंदलाल बोस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है, नव बंगाल स्कूल के प्रवर्तक के रूप में किसको जाना जाता है? नव बंगाल स्कूल के प्रवर्तक, तब भी आंसर आपका क्या होगा? नंदलाल बोस हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य कला संकाय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रथम विभागाध्यक्ष कौन थे? कहाँ के? दृश्य कला संकाय इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रथम विभागाध्यक्ष कौन थे? तो आंसर होगा आपका क्या? क्षितेंद्रनाथ मजूमदार। कब थे? 1942 में थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्रथम भारतीय महिला चित्रकार किसे कहा जाता है? ये तो आपको सभी को रटा होगा, है ना, ये सभी को रटा है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सुनैना देवी इनको पहली भारतीय महिला चित्रकार कहते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत की पहली महिला चित्रकार किसको कहते हैं? आधुनिक भारत की पहली महिला चित्रकार, तो आंसर जाएगा आपका किसकी तरफ? अमृता शेरगिल की तरफ। ठीक है, किसको कहते हैं? अमृता शेरगिल को। आगे बढ़ते हैं, तो पूछा जा रहा है,
प्रथम महिला चित्रकार जिसने भारतीय विषयों को आधार बनाकर विदेशी तकनीक से चित्रण किया था, बताइए। प्रथम पूछा जा रहा है, प्रथम महिला चित्रकार जिसने भारतीय विषयों को आधार बनाकर विदेशी टेक्निक से चित्रण किया है, क्या है आंसर उसका? तब भी आंसर की आंसर कहाँ जाएगा आपका? अमृता शेरगिल की तरफ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है, भारतीय कला के प्रथम आधुनिक मूर्तिकार के रूप में कौन जाने जाते हैं, क्या होगा आंसर बताइए? आंसर हो जाएगा आपका राम किंकर बैज। कौन है ये? प्रथम आधुनिक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम अभिव्यंजनावादी कलाकार किसको कहते हैं, पूछा जा रहा है अभिव्यंजनावादी कलाकार, तो क्या होगा आंसर आपका? ये हैं राम किंकर बैज हैं। कौन हैं आपके? राम किंकर बैज हैं। आगे देखते हैं, पूछा जा रहा है प्रथम भारतीय अमूर्त मूर्तिकार के रूप में कौन जाने जाते हैं। सब प्रथम चल रहे हैं, ठीक है, प्रथम है और बिल्कुल से रटते हुए चलना है सारे क्वेश्चंस को, और एक बार और हम फिर से रिवीजन करवा देंगे किसी दिन, ठीक है, तो बिल्कुल से वो नहीं होना है, अच्छे से पढ़ते जाइए। अमूर्त चित्रकार पूछे हैं तो कौन है ये आपके मूर्तिकार हैं? राम किंकर बैज, ठीक है। आगे बोल रहा है कि प्रथम भारतीय बिंदुवादी मतलब पॉइंटलिज्म कलाकार किसको कहा जाता है, बताएंगे सभी लोग? बिंदुवादी कलाकार पूछे हैं तो आंसर होगा आपका बेंद्रे। कौन? एनएस बेंद्रे। आगे है, प्रथम भारतीय नव प्रभाववादी चित्रकार पूछा है, क्या होगा आंसर? नव प्रभाववादी चित्रकार, तब भी आपका आंसर जाएगा एनएस बेंद्रे की ही तरफ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, पूछा जा रहा है ललित कला संकाय बड़ौदा विश्वविद्यालय के प्रथम व्याख्याता मतलब रीडर कौन बने थे, कौन हो जाएंगे, क्या होगा आंसर आपका? आंसर की बात की जाएगी तब भी आंसर आपका यही एनएस बेंद्रे थे, और कब थे ये? 1950 का टाइम मिलता है। आगे है, प्रथम चित्रकार जिसने अपने चित्रों में अमूर्त शैली की शुरुआत की थी, अमूर्त शैली की शुरुआत किसने की थी, आंसर जाएगा आपका किसकी तरफ? तो आंसर जाएगा आपका अमूर्त शैली के लिए राम कुमार की तरफ, क्या होगा आंसर आपका? राम कुमार। आगे पूछा जा रहा है, भारत में अमूर्तता की शुरुआत करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है, अमूर्तता की शुरुआत करने का, देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे बन रहा है, और आंसर भी बिल्कुल एग्जैक्ट आपको देना है राम कुमार को, ठीक है। आगे दे रहा है, प्रथम भारतीय आधुनिक लैंडस्केप कलाकार किसे कहा जाता है, छापेंगे सभी लोग, लैंडस्केप कलाकार किसको कहते हैं, तो आंसर जाएगा आपका गोपाल घोष की तरफ, किसकी तरफ? गोपाल घोष की तरफ। आगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इस वजह से हम थोड़ा स्पीड बढ़ाए हुए हैं, ठीक है, आप लोग अपनी जो टाइपिंग की स्पीड है उसको मेंटेन रखिएगा, ठीक है। चलिए, भारतीय कला में अति यथार्थवाद लाने वाले अग्रणी कलाकार कौन हैं, बताइए, क्या होगा आंसर इसका? 27 आंसर जाएगा आपका हेमंत मिश्र की तरफ, किसकी तरफ? हेमंत मिश्र की तरफ। आगे, पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले कलाकार कौन हैं, बताएंगे सभी लोग, पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले कलाकार कौन हैं, क्या हो जाएगा आंसर आपका? तो इसका आंसर होगा आपका, ये है 1954 में इनको सम्मानित किया गया था, कौन है आपके? नंदलाल बोस हैं। एक चीज़ और बताऊंगी मैं कि जो अभी 2023 में आपके जितने भी पद्म पुरस्कार मिले हैं आपको, विभूषण हो, भूषण हो या फिर श्री हो, तो इन सब की हम एक लिस्ट बनाकर आपको एक दिन पढ़ा देंगे, 5 से 10 मिनट की क्लास होगी, तो आप वहां से पढ़ लीजिएगा, आपका करंट का जो मटेरियल है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, फिर आप एग्जाम के टाइम पे पढ़ लीजिएगा उस लिस्ट को, तो आपको बिल्कुल से कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है, पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले कलाकार कौन हैं, बताएंगे सभी लोग, पद्म भूषण से सम्मानित कलाकार कौन हैं, तो इसका आंसर जाएगा आपका यामिनी रंजन राय, जो कि 1955 में इनको मिला था, ठीक है।
आंसर समझते जाइएगा कि यहाँ पर कौन पूछा है, पद्म भूषण अभी पूछा था, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ऐसे करके हर एक एक चीज समझते हुए चलेगा कि कौन से पुरस्कार से कौन सम्मानित हो रहे हैं। आगे अब बोल रहा है पद्म श्री सम्मान से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कलाकार के रूप में किसको जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा, अभी हमने भूषण पढ़ा यामिनी राय के लिए, अब हम पढ़ रहे हैं पद्म श्री, तो ये किसको मिला है, ये मिला है सुधीर रंजन खास्तगीर को, और कब मिला है, 1957 में मिला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, आगे आगे बोल रहा है पहले भारतीय कलाकार जिन्हें कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है, कालिदास सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है, क्या होगा आंसर आपका, ये है केजी सुब्रमण्यम को, कब, 1981 में। ठीक है, ये है आपका कालिदास सम्मान। अच्छा, छापेंगे जल्दी से कि कालिदास सम्मान कौन सी गवर्नमेंट देती है, यूपी, एमपी, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कौन देती है। आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है सेरीग्राफी जिसे हम सिल्क स्क्रीन बोलते हैं, इस टेक्निक का प्रयोग करने वाले पहले कलाकार कौन है, बताएंगे सभी लोग, सेरीग्राफी जिसे हम सिल्क स्क्रीन बोलते हैं इसका पहला जो कलाकार है यूज करने वाला कौन है, ये है आपके केजी सुब्रमण्यम, कौन है, केजी सुब्रमण्यम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है ग्लास पेंटिंग जो कि कांच पर चित्रण होता है, इसका चित्रण करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन है, ये जो ग्लास पेंटिंग है ना वो मैंने आपको दिखाई भी थी, आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, मैंने जो वो पेंटिंग दिखाई थी ना आपको वो यही पेंटिंग है, इसी को ग्लास पेंटिंग कहते हैं जो कि कांच पर चित्रण होता है, जो मैंने आपको दिखाई थी ना वो ही आपकी ग्लास पेंटिंग है, और इसको करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन है, तो ये हैं आपके केजी सुब्रमण्यम। ठीक है, कौन है आपके, केजी सुब्रमण्यम है। आगे आगे बोल रहा है राजा रवि वर्मा पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार कौन थे, बताएंगे सभी लोग जल्दी से कि राजा रवि वर्मा पुरस्कार मिला किसको, तो क्या है आंसर आपका करेक्ट, ये भी आपको 2001 में मिलता है केजी सुब्रमण्यम को, किसको मिलता है, केजी सुब्रमण्यम को, याद रखना है। नेक्स्ट है 35 नंबर का, पूछा जा रहा है प्रथम भारतीय फाविज्म मतलब फाववादी कलाकार किसको कहते हैं, तो क्या जाएगा आंसर आपका, आंसर जाएगा आपका शैलोज मुखर्जी की तरफ, किसकी तरफ, शैलोज मुखर्जी। आगे है प्रथम भारतीय रंगवादी कलाकार के रूप में किसको जानते हैं, तो आंसर होगा आपका, ये भी आपका शैलोज मुखर्जी को, क्या है, भारतीय रंगवादी कलाकार। आगे ये बहुत पूछा जाता है, आपने जब प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया होगा तो ये क्वेश्चन बहुत दम से पूछा जाता है, मतलब सारे पूछे जाते हैं लेकिन ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही देखा होगा आपने। पूछा जा रहा है गढ़ी कलाकार परिषद नई दिल्ली के प्रथम महानिदेशक किसे चुना गया था, बताएंगे सभी लोग किसको नियुक्त किया गया था, क्या होगा आंसर, आंसर है आपका शंखो चौधरी, और कब होता है, तो 1976 में। ठीक है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है सबसे पहले पत्थर को तराश कर शिल्प गढ़ने वाले कलाकार कौन हैं, जैसे आप लोग हैं पत्थर को तोड़ तोड़ के जाने क्या से क्या कर सकते हैं, वैसे ही वही कलाकार पूछे हैं, पहले कौन थे, तो यही आपका शंखो चौधरी हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बोल रहा है दक्षिण भारत के प्रथम ग्राफिक कलाकार जिन्होंने अम्लांकन विधा के लिए जिंक प्लेट का प्रयोग किया था, बताइए अम्लांकन के लिए जिंक प्लेट का प्रयोग करने वाले कौन हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, आंसर हो जाएगा आरबी भास्करन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, तो पूछा जा रहा है एक्रेलिक वॉश के प्रथम प्रयोक्ता के रूप में कौन प्रसिद्ध है, वॉश के लिए पूछा जा रहा है, तो आंसर कहाँ जाएगा आपका, श्याम बिहारी अग्रवाल, एक्रेलिक वॉश के सबसे पहले प्रयोक्ता जिन्होंने प्रयोग किया था। आगे आगे दे रहा है मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर के प्रथम प्राचार्य भारतीय पूछे हैं, कौन है प्रथम भारतीय प्राचार्य, कहाँ के, मेयो स्कूल ऑफ आर्ट लाहौर के, तो आंसर क्या जाएगा आपका, समरेंद्रनाथ गुप्त। ठीक है, आगे पहला कलाकार जो ग्राफिक विधा की शिक्षा लेने के लिए विदेश गया था, कहाँ गया था, विदेश गया था, कौन सी शिक्षा, ग्राफिक, तो क्या है आंसर, मुकुल चंद्र टी हो जाएगा। ठीक है, आगे
एचिंग अम्लांकन टेक्निक का प्रयोग करने वाले पहले कलाकार कौन है? क्या होगा आंसर? तब भी आंसर आपका मुकुल चंद्र डे ही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है, आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली, जिसे हम नगमा बोलते हैं, इसके प्रथम क्यूरेटर भारतीय कौन थे? बताएंगे सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत पूछा जाने वाला है। आंसर जाएगा आपका मुकुल चंद्र डे थे। कौन थे आपके? मुकुल चंद्र डे थे। ठीक है, आगे। ड्राई पॉइंट, जिसे हम शुष्क विधा बोलते हैं, इस टेक्निक का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे? बताएंगे सभी लोग, ड्राई पॉइंट शुष्क विधा का प्रयोग करने वाले फर्स्ट भारतीय कलाकार कौन थे? तो क्या है आपका आंसर? तब भी मुकुल चंद्र डे हो जाएगा। ठीक है, हमने बिल्कुल सीक्वेंस में रख दिए हैं लाइन से कि एक ही जगह आपको समझ में आ जाए। तो ये हो गया। आगे बोल रहा है, कोलाज के लिए सर्वप्रथम जिंक प्लेट का प्रयोग किसने किया था? कोलाज के लिए बोला है, क्या होगा आंसर? तो यहां आंसर आपका हो जाएगा कवल कृष्ण। ठीक है, क्वेश्चंस में अंतर भी समझिएगा कि कौन से क्वेश्चन में कैसा क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। प्रथम ग्राफिक कलाकार जिन्होंने रंगीन विस्कोसिटी प्रक्रिया अपनाई थी, बताइए रंगीन विस्कोसिटी प्रक्रिया किसने अपनाई थी? आंसर क्या होगा? तो आंसर की तरफ जाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा कृष्णा रेड्डी ने। किसने? कृष्णा रेड्डी ने। आगे, भारत में विस्कोसिटी विधा के सबसे पहले प्रयोक्ता कौन है? कौन सी विधा है कि विस्कोसिटी? तो क्या होगा आंसर? आंसर जाएगा आपका कृष्णा रेड्डी की तरफ। किसकी तरफ? कृष्णा रेड्डी। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पूछा जा रहा है, रूपांकर भारत भवन भोपाल में इसके प्रथम महानिदेशक कौन थे? क्या होगा आंसर? इसके पहले महानिदेशक कौन थे? तो आंसर जाएगा जगदीश स्वामीनाथन 1982 में। क्या होगा आंसर? जगदीश स्वामीनाथन 1982 में। ठीक है, आगे 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 आपका 50 अर्धशतक कला भवन संकाय शांति निकेतन के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो ये आपके नंदलाल बोस थे, और कब? 1922 में। ठीक है, आगे आगे बोल रहा है, पल्प कास्टिंग लुगदी छापा पेपर मेशी इसके सबसे पहले प्रयोक्ता के रूप में किसे जाना जाता है? कुछ भी दे दे आपको आंसर एक ही होगा, पल्प कास्टिंग लुगदी छापा पेपर मेसी, कुछ भी दे दे आंसर आपका एक ही होगा, और क्या होगा वो आंसर आपका? सोमनाथ हुर हो जाएगा। आगे आगे है, कला भवन संकाय शांति निकेतन के ग्राफिक कला विभाग में प्रथम विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किसको किया गया है? तो क्या होगा आंसर आपका? ये आपका आंसर हो जाएगा 1968 में किसको? सोमनाथ हुर को नियुक्त किया गया था। ठीक है, आगे आगे है, चित्रण के लिए सर्वप्रथम एक्रेलिक रंगों का प्रयोग करने वाले चित्रकार कौन है? बताएंगे सभी लोग, तो आंसर जाएगा आपका किसकी तरफ? सतीश गुजराल। कौन है ये? सतीश गुजराल है। फिर आगे पूछा जाएगा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन 54 कि पटना कला महाविद्यालय के ग्राफिक कला विभाग के प्रथम विभागाध्यक्ष कौन थे? कहाँ के? पटना के पूछे हैं, तो आंसर जाएगा आपका श्याम शर्मा, जिनका टाइम मिलता है 1966 में। ठीक है, टाइम भी आपको याद करना है, जितना टाइम दिया है ना उसको आप याद कर लीजिए, बाकी इतने से हो जाएगा। आगे आगे दे रहा है, सबसे पहले ओलियोग्राफी मतलब लिथोग्राफी टेक्निक के प्रयोक्ता कौन है? बताएंगे सभी लोग, अपना अपना आंसर सभी लोग छापते जाइए और आकलन भी साथ में करते जाइए कि आपने कितना किया। तो आंसर क्या है यहाँ? राजा रवि वर्मा इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 55। आगे आगे पूछा जा रहा है, तेल विधा के सबसे पहले प्रयोक्ता कौन है? बताएंगे सभी लोग, तेल विधा के सबसे पहले प्रयोक्ता, तो आंसर वही होगा, राजा रवि वर्मा है। ठीक है, एक ही जगह हमने लिख दिए हैं सभी। ठीक है,
पूछा जाएगा भारतीय आधुनिक चित्रकला पर पदार्पण करने वाले प्रथम कलाकार कौन है, चित्रकला पर पदार्पण करने वाले, तो क्या है आंसर, तब भी आंसर आपका राजा रवि वर्मा हो जाएगा। ठीक है, दो बार लिख गया है, चलिए आगे। आगे बोल रहा है कैलेंडर आर्ट का प्रयोग करने वाले प्रथम कलाकार कौन है, तब भी आंसर आपका राजा रवि वर्मा हो जाएगा। आगे, प्रथम भारतीय कलाकार जिसने सबसे पहले 3D पेंटिंग बनाई, बहुत पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट है, तो 3D पेंटिंग बनाई थी आपकी किसने, राजा रवि वर्मा ने, सभी को आता है ना। आगे आगे है, पूछा जा रहा है पॉपुलर कला जिसे हम पॉप कला बोलते हैं, इसका प्रयोग करने वाले प्रथम आधुनिक चित्रकार कौन है, तो बताएंगे सभी लोग आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हम अपना मिलाते हैं तो होता है आंसर राजा रवि वर्मा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, राजा रवि वर्मा। इसके बाद देखा जाए तो सबसे पहले ओलियोग्राफ टेक्निक द्वारा छापा गया पहला चित्र कौन सा था, बताएंगे सबसे पहले जो ओलियोग्राफी टेक्निक द्वारा छापा गया पहला चित्र था वो कौन सा था, तो क्या होगा आंसर आपका, शकुंतला का जन्म था। ठीक है, और कब बना था ये, 1894 में, 1894 में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है। फिर पूछा जाएगा सर्वप्रथम पौराणिक व भारतीय विषयों को आधार बनाकर चित्रण करने वाला कलाकार कौन है, बताइए, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर की बात की जाएगी तो क्या है आपका, राजा रवि वर्मा। ठीक है, हमने लाइन से सभी जितने भी जो कलाकार की विशेषताएं हमने लाइन से कर दी हैं, जिससे कि आपको आसानी रहे एक ही जगह पढ़ने में। आगे आगे दे रहा है प्रथम कलाकार जिन्होंने भारतीय विषयों को आधार बनाकर विदेशी टेक्निक में चित्रण किया, बताइए प्रथम कलाकार कौन है जिन्होंने भारतीय विषयों को आधार बनाकर विदेशी टेक्निक से चित्रण किया था, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, ये है राजा रवि वर्मा। ठीक है, आगे प्रथम नवशास्त्रीयवादी चित्रकार किसको माने जाते हैं, बताइए नवशास्त्रीयवादी चित्रकार कौन माने जाते हैं, तो क्या होगा आंसर आपका, ये है राजा रवि वर्मा माने जाते हैं। प्रथम आधुनिक अमूर्त चित्रकार के रूप में किसको जाना जाता है, तो क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा आपका रवींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अमूर्त चित्रकार के रूप में जाना जाता है आधुनिक। आगे, आधुनिक भारत का प्रथम रचनात्मक चित्रकार कौन है, क्या होगा, अंतर करना सीखिए क्वेश्चंस में, अंतर करना सीखिए कि पहले क्वेश्चन क्या पूछा था और अब क्वेश्चन क्या पूछा है। ठीक है, अंतर करना समझ जाएंगे तो आपका आंसर भी डगमगाएगा नहीं, आपको बिल्कुल से कंफ्यूजन नहीं होगी। चलिए, तो क्या पूछा है, प्रथम रचनात्मक चित्रकार, तो ये हैं आपके रवींद्रनाथ टैगोर हैं, कौन, रवींद्रनाथ टैगोर। फिर पूछा जा रहा है एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे, बताएंगे सभी लोग नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया है, ये किया है रवींद्रनाथ टैगोर को। अच्छा, हमें एक बात बताइए, सभी लोग कमेंट में छाप कर बताएंगे कि चित्रकला का नोबेल पुरस्कार कौन से सम्मान को कहते हैं, चित्रकला का नोबेल पुरस्कार, चित्रकला का नोबेल पुरस्कार कौन से पुरस्कार को कहते हैं, बताएंगे सभी लोग, सभी लोग इसका आंसर छापेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है आधुनिक भारत का प्रथम कवि किसको मानते हैं, बताइए कवि कलाकार किसको कहते हैं, तब आंसर कहाँ जाएगा आपका, आंसर जाएगा तब भी आपका रवींद्रनाथ टैगोर की तरफ, किसकी तरफ जाएगा, रवींद्रनाथ टैगोर की तरफ। ठीक है, और देखिए जो बच्चे नए हों, चैनल सब्सक्राइब ना किए हों तो बेटा कर लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे बिल्कुल से छपने वाले मिलेंगे, और जो पुराने बच्चे हैं आप उनसे भी पूछ लीजिए, जिससे कि आपका कहीं नुकसान ना होने पाए। आप हर क्लास को बहुत अच्छे से गहराई से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास मिल रही है आपको, रात को 9 बजे जो आपकी क्लास चलती है उसको भी देखना है आपको, शाम को 7 बजे आपका प्रैक्टिस सेशन होता है उसको भी देखना है। ठीक है, तो चलिए अब टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, सीधे बात नहीं करेंगे ज़्यादा। आगे, आधुनिक भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय चित्रकार किसे कहा जाता है, बताएंगे सभी लोग 69, तो ये हैं आपके कौन, रवींद्रनाथ टैगोर को कहते हैं, किसको कहते हैं, रवींद्रनाथ टैगोर को। आगे पूछा जाएगा आपसे चित्रों में सबसे पहले
कैलिकोग्राफी विधा का प्रयोग किसने किया था? क्या हो जाएगा आंसर 70 का? छापेंगे सभी लोग तो आंसर आपका जाएगा कहाँ, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, बार बार आप लोग रविंद्रनाथ टैगोर मत लिखिए, आप लोग लिख दिया करिए यही यही या फिर सेम, ठीक है, ऐसे लिख दिया करिए। आगे आगे है, आधुनिक भारतीय चित्रकला के जन्मदाता किसको कहते हैं, बताइए। बहुत पूछा जाने वाला है और सभी से बन भी जाएगा। पूछा जा रहा है आधुनिक भारतीय चित्रकला के जन्मदाता कहे जाते हैं, तो कौन कहे जाते हैं आपके? अवनींद्रनाथ टैगोर। आगे चलेंगे तो पूछा जाएगा आपसे, सर्वप्रथम धोपन, अरे वॉश मतलब धोवन विधा टेक्निक के प्रयोक्ता माने जाते हैं, बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा। वॉश टेक्निक बोली है कुल मिलाकर, ये जाने के लिख गया है, तो आंसर होगा आपका अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, सर्वप्रथम पेस्टल टेक्निक का प्रयोग करने वाले चित्रकार कौन है, बताइए। पेस्टल टेक्निक का क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा आपका अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है, हाँ सभी लोगों को पता है कि अब यही चल रहे हैं तो यही होगा आंसर। चलिए आगे, कलाकार तो नंबर वन के हैं आप लोग। पूछा जा रहा है प्रथम भारतीय घनवादी चित्रकार किसको माना जाता है, क्या होगा आंसर, बताएंगे सभी लोग। आंसर की बात होगी तो ये हैं आपके गगनेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, सबका आंसर अवनींद्रनाथ टैगोर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, गगनेंद्रनाथ टैगोर। आगे आगे पूछा जा रहा है प्रथम आधुनिक व्यंग्य चित्रकार के रूप में किसको जाना जाता है, बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चंस में अंतर करना सीखिए, ठीक है, कि पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा है और अब के क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। चलिए आंसर देखा जाएगा तो आंसर होगा आपका गगनेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे सर्वप्रथम, चलिए सर्वप्रथम भारतीय विषयों के लिए घनवादी चित्रण शैली का प्रयोग करने वाले कलाकार कौन है, बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा आंसर सही। तो आंसर होगा आपका, ये है आपके गगनेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है राजा रवि वर्मा पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले कलाकार कौन थे, बताइए क्या होगा आंसर। तो आंसर हो जाएगा आपका, ये थे 2001 में प्राप्त किया था केजी सुब्रमण्यम ने, रिपीट क्वेश्चन है। आगे पूछा जा रहा है प्रथम समीक्षावादी चित्रकार के रूप में किसको जाना जाता है, बताएंगे सभी बच्चे कि प्रथम समीक्षावादी चित्रकार के रूप में किसको जानते हैं। आंसर है आपका, ये है रामचंद्र शुक्ल को, किसको जानते हैं, रामचंद्र शुक्ल को। आगे आगे है भारत में समीक्षावादी शैली की शुरुआत करने का श्रेय किसको दिया जाता है, बताएंगे सभी बच्चे। छाप दीजिए रामचंद्र शुक्ल। चलो आगे बढ़ते हैं आंसर की तरफ, तो आपका आंसर है बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, आगे सभी लोग देखते भी जाइएगा कि आपको पहले से आते थे कि नहीं आते थे, आप लोगों का कितना इम्प्रूव हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा देखते जाइएगा अपना, आप लोगों भी करते जाइएगा। तो क्या है, फ्रांसीसी सरकार द्वारा जेनर ऑनर फ्रेनोगार्ड पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कलाकार कौन है, बताइए क्या हो जाएगा, क्या होगा आंसर, बताएंगे सभी बच्चे। आंसर की तरफ बढ़ेंगे तो वही होगा आंसर जो पहले था, रामचंद्र शुक्ल। आगे चलिए, ये है दक्षिण भारत आधुनिक कला के जन्मदाता व अग्रदूत किसको कहा जाता है, दक्षिण भारतीय बोल रहा है। ठीक है, अगर वैसे बोलता तो आपने अभी पढ़ लिया है किसको कहते हैं, अवनींद्रनाथ टैगोर को, लेकिन अगर दक्षिण भारतीय लग जाता है तो आंसर चेंज हो जाता है, क्या होगा, केसीएस पणिक्कर को कहते हैं। ठीक है, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है तो समझते हुए चलेंगे। ठीक है, आगे प्रथम तांत्रिक कलाकार किसे कहा जाता है, बताइए, ये तो सभी को रटा होगा क्योंकि सबसे बड़े तांत्रिक कलाकार, सबसे बड़े भूत भगाने वाले बाबा सब लोग आप ही हैं, है ना, तो ये तो इनसे तो आपका बहुत वर्षों का नाता है, क्या होगा आंसर, ये हैं आपके केशियस पणिक्कर। ठीक है, आगे प्रथम भारतीय
नवतांत्रिक कलाकार के रूप में कौन जाना जाता है? बताइए। ये वाले भी तांत्रिक जितने भी हैं आपके बिल्कुल से संपर्क में होंगे, हो सकता है आपके पास फोन नंबर भी हो उनका, है ना, बातचीत भी होती रहती होगी। कौन है ये आपके? ये हैं आपके जीआर संतोष। ठीक है, इन दोनों में कंफ्यूजन बहुत होती है, समझिएगा, ऊपर नीचे इसीलिए कर लिया है। आगे पूछा जा रहा है चित्रों में लॉस्ट टैक्टिस, बताइए क्या होगा आंसर, टेक्निक का प्रयोग किसने किया था? आंसर दिया ही है आपके सामने, ये है शांति दबे, इन्होंने किया था। ठीक है, आगे बड़े आकार के लीनो माध्यम में प्रयोग करने वाले कलाकार कौन है? क्या हो जाएगा आंसर? 85, तो आंसर देखेंगे तो ये भी आपका शांति दबी होगा। आगे ललित कला संकाय लखनऊ कला महाविद्यालय में प्रवेश पाने वाले प्रथम कलाकार कौन थे? बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, बताइए क्या होगा? ललित कला संकाय लखनऊ कला विद्यालय में प्रवेश पाने वाले पहले कलाकार, तो हो जाएगा आपका 1912 में, आपके उत्तर प्रदेश के ही हैं ये, ललित मोहन सेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। पूछा जा रहा है, अरे भाई चलिए, पूछा जा रहा है लखनऊ कला महाविद्यालय में ग्राफिक कला विभाग के प्रथम विभागाध्यक्ष कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आंसर जाएगा आपका 1963 में, कौन? जयकृष्ण अग्रवाल। ठीक है, याद रखना है 1963 में जयकृष्ण अग्रवाल। पूछा जा रहा है लखनऊ कला महाविद्यालय के प्रथम प्राचार्य भारतीय कौन थे? बहुत पूछा जाता है, ये बिल्कुल से रख लीजिएगा, सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस किया होगा तो आप लोगों को पता भी होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक ही वीडियो में, ये इसी वीडियो को बस पढ़ लीजिए, ठीक है, प्रथम कलाकारों की, ये केवल एक वीडियो है, इतने से ही काम हो जाएगा आपका। हो जाएगा असित कुमार हल्दार, जो कि 1925 में थे। ठीक है, आगे बोल रहा है चित्रण में एनकॉस्टिक टेक्निक का प्रयोग करने वाले पहले कलाकार कौन थे? बताएंगे सभी लोग, तो हो जाएगा आपका असित कुमार हल्दार। क्या हो जाएगा 89 का ऑप्शन? आपका असित कुमार हल्दार। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आता है, हाँ चलिए, तो क्या है, शिल्प निर्माण के लिए जूट की रस्सी, जिसे हम मैक्रम बोलते हैं, ये सामग्री का प्रयोग करने वाली पहली कलाकार कौन थी? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल से 1000 बार स्टार लगा लीजिए। क्या हो जाएगा आंसर? तो आंसर जाएगा आपका क्या, मृणालिनी मुखर्जी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे प्रथम भारतीय आधुनिक महिला मूर्ति शिल्पी, बहुत पूछा जाता है मूर्ति शिल्पी कौन है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, लतिका कट्ट की तरफ। क्या होगा आंसर? लतिका कट्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, शतक लगने वाला है। चलिए, भारतीय आधुनिक कलाकारों का पहला कलाकार समूह किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता ग्रुप 43 को, जिसकी स्थापना 43 में होती है। ठीक है, 1943 में। आगे ग्राफिक कलाकारों का पहला कलाकार समूह कौन था? बताएंगे सभी लोग, इंपॉर्टेंट चल रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, छोड़ने की गलती ना करिएगा, होगा 1967 में स्थापित ग्रुप 8। ठीक है, आगे पाकिस्तान का प्रथम भारतीय कलाकार किसे कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, महाराज है कौन, अब्दुल रहमान चुगताई, जो कि पाकिस्तान के। आगे दे रहा है, हाँ, दक्षिण एशिया का पहला आधुनिक मुस्लिम कलाकार, मुस्लिम पूछा है, तो क्या होगा आंसर आपका, ये है आपके अब्दुल रहमान चुगताई। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, सर्वप्रथम मिर्जा गालिब की गजलों पर आधारित चित्रण करने वाले कलाकार कौन है? तो कौन है ये, अब्दुल रहमान चुगताई है। ठीक है, आगे काष्ठ उत्कीर्णन वुन इंटेग्लियो टेक्निक के सबसे पहले जो प्रयोक्ता है वो किसको माना जाता है? करेंगे सभी लोग, काष्ठ उत्कीर्णन मतलब वुड इंटेग्लियो टेक्निक के सबसे पहले प्रयोक्ता कौन माने जाते हैं? आंसर जाएगा आपका सनत कर की तरफ। क्या होगा आंसर आपका? सनत कर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले दक्षिण भारत के प्रथम छापाकार कौन है? क्या हो जाएगा? पैनीर सेल्वम, जो कि लाल मछली शीर्षक कलाकृति है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय काष्ठ छापाकार, पूछा जा रहा है काष्ठ छापाकार कौन है? तो ये हो जाएंगे एपी मनहर मकवाना। ठीक है, 1964 में। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, ठीक है, वरना टाइम ज्यादा हो जाएगा, लंबी क्लास होगी।
राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हैं आपके डॉक्टर संपूर्णानंद 1962 में। आगे है, राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ के प्रथम फेलो सदस्य कौन निर्वाचित किए गए थे? तो कब? 1970 में। कौन? रायकृष्ण दास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा जाएगा कि केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये हैं आपके डीपी राय चौधरी, जो 1954 में हुए थे। ठीक है, आगे, केंद्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली का प्रथम फेलो सदस्य किसको चुना गया? तो ये था 1955 में, किसको? यामिनी रंजन रॉय को। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए एक एक अक्षर का अंतर आ रहा है इसमें, तो आपको बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है कि पीछे क्या पूछा था और अब क्या पूछा है। चित्रकला के लिए सबसे पहले राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले चित्रकार कौन हैं? तो ये हैं आपके मकबूल फिदा हुसैन, जिनकी जमीन शीर्षक कलाकृति है और 1955 में इसका निर्माण होता है। ठीक है, याद रखना है। आगे है, भारत के पहले चित्रकार जिनके चित्र पिकासो के चित्रों के साथ प्रदर्शित हुए, तो कौन है ये? मकबूल फिदा हुसैन, 1971 में ब्राजील में। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे दे रहा है 106, चित्रों में वॉश टेक्निक का प्रयोग करने वाले राजस्थान के प्रथम चित्रकार के रूप में, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान वर्ड लग गया तो आपको याद रखना पड़ेगा, राजगोपाल विजय वर्गीय हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे है, राजस्थान स्कूल क्या पूछा है? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर के प्रथम छात्र कौन थे? तो यही थे रामगोपाल विजय वर्गीय। ठीक है, आगे है, राजस्थान का प्रथम आधुनिक चित्रकार किसको कहते हैं? इसी को कहते हैं रामगोपाल विजय वर्गीय को। और सबसे पहले कट कैनवास टेक्निक का प्रयोग करने वाले कौन हैं? कौन है ये आपके? के एच आरा है। याद रखना है कैनवास का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो ये के एच आरा ने। भारतीय आधुनिक कला में सबसे पहले स्थिर जीवन चित्रण स्टिल लाइफ करने के लिए कौन जाने जाते हैं? तो ये हैं आपके के एच आरा। आगे, कलाकृतियों के लिए सफ़ेद बिंदियों का प्रयोग करने वाली पहली कलाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सफ़ेद बिंदियों का पूछा है, तो ये है आपका भारती खेर। कौन है आपका? भारती खेर। आगे, दक्षिण भारत की कला में आधुनिकता के जन्मदाता कहे जाते हैं? तो अभी पढ़ा है हमने ऊपर, केसीएस पणिक्कर को कहते हैं। और आगे, भारत में प्रथम पॉटरी स्टूडियो स्थापित करने वाले कलाकार कौन है? तो ये हैं आपके गुरचरण सिंह। ठीक है, आगे, उत्तर प्रदेश में रेड के लिए पॉटरी स्थापित करने वाले पहले कलाकार कौन है? तो ये हैं के बी जेना। ठीक है, आगे, भारत का पहला ब्लू पॉटरी कलाकार, ब्लू पॉटरी जनक किसको कहते हैं? आंसर जाएगा कृपाल सिंह शेखावत की तरफ। और दे रहा है, भारत में सबसे पहले मुद्रण मशीन कब और कहाँ स्थापित की गई? तो कहाँ पर की गई थी? गोवा में। और कब की गई थी? 1556 में। ठीक है, थोड़ा स्पीड बढ़ाए हुए हैं। आगे, आप लोग भी थोड़ा स्पीड बढ़ाइएगा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो ये 1907 में। कौन? लॉर्ड कृष्णर। ठीक है, याद रखना है लॉर्ड कृष्णर। आगे है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता का प्रथम सचिव किसको नियुक्त किया गया था? कौन है प्रथम सचिव? तो ये है अमरेंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट ओरिएंटल आर्ट कोलकाता की प्रथम छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता कौन है? तो ये हैं आपके नंदलाल बोस हैं। ठीक है, पहली छात्रवृत्ति जो मिली स्कॉलरशिप। आगे, मद्रास कला विद्यालय में नियुक्त होने वाले पहले प्राचार्य, मतलब भारतीय प्राचार्य पूछे हैं, तो कौन है? 1929 में होते हैं। कौन? डीपी राय चौधरी, देवी प्रसाद राय चौधरी। आगे है, दून स्कूल क्या है? दून स्कूल ऑफ आर्ट देहरादून के ललित कला संकाय में प्रथम विभागाध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके 1935 में सुधीर रंजन खास्तगीर थे। कौन? सुधीर रंजन खास्तगीर। आगे बढ़ते हैं, राजस्थानी कला के पुनर्जागरण काल के अग्रणी कलाकार कौन थे? तो ये आपके शैलेंद्रनाथ डे थे, याद रखना है। फिर आगे बात करते हैं,
तो ब्लैक आर्ट टेक्निक का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार कौन है? तो आंसर जाएगा आपका फ्रांसिस न्यूटन सूजा। क्या हो जाएगा आंसर आपका? फ्रांसिस न्यूटन सूजा हो जाएगा। आगे 124, प्रथम आधुनिक गोंड कलाकार किसको कहते हैं? तो ये हैं जिनगर सिंह श्याम को कहते हैं। किसको कहते हैं? जिनगर सिंह। आगे है पूछा जा रहा है विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के पहले कुल सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो इसका टाइम पीरियड देखें तो 1921 में किसको? रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले मार्बलिंग टेक्निक का प्रयोग करने वाले कलाकार कौन है? तो ये हैं शक्ति वर्मन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं। तो पूछा जा रहा है जल रंगों के साथ फिंगर नेल आर्ट नख कला के सबसे पहले प्रयोग, बहुत पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। नाखून में जो कला होती है उसके लिए ये है शेखर चंद्र जोशी। ठीक है, आगे अकादमिक यथार्थवाद की परंपरा को तोड़ने वाले पहले भारतीय शिल्पकार कौन है? तो ये हैं आपके एस धनपाल हैं। आगे राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद इसके प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो ये दशरथ पटेल थे, और टाइम बोलेगा तो 1961 में थे। ठीक है, याद रखना है। आगे बोल रहा है पत्थर को तराश कर सबसे विशालतम मूर्ति निर्मित करने वाले प्रथम आधुनिक मूर्तिकार कौन है? तो इसको याद रखना है, ये गलत लिखा है। ठीक है, इसका आपको आंसर नीचे कमेंट बॉक्स पे छाप के बताना है। ठीक है, ये आज आपका होमवर्क हो गया। चलिए आगे देखते हैं, ये गलत लिखा हुआ है, चलिए इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे छाप के बताना है। ठीक है, चलिए आगे। लतिका सिंह कट होगा जहाँ तक। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या होगा बताइए। पूछा जा रहा है प्रथम भारतीय संस्थापन इंस्टॉलेशन कलाकार किसे माना जाता है? तो ये हैं आपके विवान सुंदरम। ठीक है, आगे है मूर्ति शिल्पों के लिए सर्वप्रथम कश्मीरी भाषा की शारदा लिपि का प्रयोग करने वाले प्रथम मूर्तिकार कौन है? तो ये कौन है? इसका भी आंसर नीचे आपको कमेंट बॉक्स पे छाप के बताना है। आगे बोल रहा है चित्रों में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग करने वाले चित्रकार कौन है? तो ये हैं निरोध मजूमदार है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। आगे बोल रहा है चित्रों में सबसे पहले वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग करने वाले चित्रकार, बहुत पूछे जाते हैं, याद रखना है, गुलाम मोहम्मद शेख हैं। आगे चलते हैं, वो जो दो क्वेश्चन थे ना ऊपर के, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पे छापना है। आगे भारत में प्रथम वेब केंद्रित चित्रकार के रूप में किसको जानते हैं? क्या हो जाएगा? ये है आपका शिल्पा गुप्ता। लास्ट क्वेश्चन आज का कि प्रथम भारतीय आयरन नेल आर्टिस्ट मतलब लौह नखूनी कलाकार किसको कहते हैं? तो ये हैं आपके वाजिद खान, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, नखून से रिलेटेड। तो चलिए आज हमने 136 जो ये वन लाइनर फॉर्म में बताए हैं, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल से गांठ बांध लीजिए कि इस क्लास को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, शुरू से लेकर लास्ट तक आपको पूरी क्लास देखनी है, और जितने भी क्वेश्चन थे सारे आपके दिमाग में सेट होने चाहिए, बिल्कुल से रटे होने चाहिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ना आपके, ये आपके एग्ज़ाम में 100% मार्क करने वाले हैं, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलने ही वाला है। ठीक है, तो जो बिल्कुल से पर्टिकुलर आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, तो उस वीडियो को तो बिल्कुल से आपको छोड़ना नहीं है, जहाँ से आपको एक एक नंबर अगर मिल रहा है ना, तो आपको वहाँ से बिल्कुल डट के बैठना है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और कमेंट में ज़रूर बताना है कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए फिर क्लास करते हैं, और चलिए।